अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, बहनों, कैसे हैं आप लोग। तो दो नए जानवर आ गए हैं बिल्डिंग में। मैंने सोचा आपको उसकी अपडेट दे दूँ। एक ये आया है 180 का, 1,80,000। वज़न में 4 मन से थोड़ा सा कम होगा, 4.25 मन तक बैठेगा गोश्त में। और ये बच्चिया आई है ये 1,55,000। और ये तकरीबन 3.5 मन टच करेगी, 3.5 या 3.25। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी लाया, मतलब अच्छे पैसों में लाया, उसके पैसों में। मुझे नहीं पता कैमरे में इस हिसाब से दिख रही है, लेकिन रियल में देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है ये 1.55। और ये है पुराना जानवर, ये दोनों। तो जैसे कि आजकल रेट चल रहे हैं, इस हिसाब से काफ़ी बेहतर है। और दोनों न्यारी बकरा पीढ़ी से ही आई हैं दोनों जानवर। इस बार वहीं से आ रहे हैं हमारी बिल्डिंग में जानवर, क्योंकि वहाँ के रेट शायद मुनासिब हैं, लोगों को मुनासिब लग रहे हैं। बाकी दूसरी मलिर मंडी वगैरह में देने वाले पैसे नहीं बताते, पैसे इतने ज़्यादा डिमांड करते हैं तो बंदा क्या करे। अच्छा, ये खड़ा हो गया था जानवर, तो मैंने सोचा इसकी मैं दोबारा से वीडियो बना लूँ, क्योंकि खड़े हुए हुए जानवर ही समझ में आता है, बैठे हुए भी समझ नहीं आता जानवर। ऐसा है, ये चीज है 1,80,000 रुपए में। 3.5 से 4.25 मन के दरमियान कहीं बैठे हुए मेरे हिसाब से। ऊपर नीचे हो सकता है भाई, मैं कसा ही नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट बता, ऊपर नीचे हो सकता है। 1,80,000, 2 लाख बछड़ा। अच्छा, जो नॉर्दर्न बाईपास मंडी लगी है उसका मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ठीक ठाक लूट हमारी मची हुई है। यानी कि सबसे पहले तो व्यापारी आपको लूटता है, इतने ज़्यादा पैसे बताता है जानवर के कि आप बार्गेनिंग भी कितनी करो उससे। नखरे उसके इतने ज़्यादा हो गए कि वो बार्गेनिंग करो तो वो बात नहीं करता, अगर उसको मुनासिब पैसे लगा दो। वहाँ आप बाइक खड़ी करो तो पार्किंग के 100 रुपये बाइक की पार्किंग के हैं, 100 रुपये। उस पर भी लिखा हुआ है कि पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, यानी ओनर के ही जिम्मेदारी है बाइक की पार्किंग। पहले पार्किंग में वहाँ की इंतज़ामिया आपको लूटेगी, उसके बाद आप जानवर लेने जाओ व्यापारी आपको वहाँ लूटेगा, फिर आप। अच्छा, आपको एक और बात बताऊँ मज़े की, सुजुकी की वहाँ जो पर्ची है, यानी जो सुजुकी अंदर एंटर होती है, ज़ाहिर है आप जाओगे तो सुजुकी में लेके आओगे जानवर, तो सुजुकी वाले से 800 रुपये ले रहे हैं सिर्फ उसकी अपनी पर्ची, यानी 800 रुपये मंडी में एंटर होने के देता है, तो वो ज़ाहिर है वो 800 रुपये भी आपसे ही लेगा जब आप लेके आओगे, तो किराए में वो ऐड करेगा 800 रुपये। उसके अलावा उसका अपना प्रॉफिट अलग, पेट्रोल अलग, तो किराया भी ठीक ठाक महंगा होगा वहाँ से आने पे। अच्छा, उसके बाद आप जब वहाँ जाओ तो वहाँ पे रास्ते में गैर मुकामी आपको लूटने के लिए गन पॉइंट पे तैयार बैठे हुए, वो अलग हमारी मतलब कराची वालों को खतरनाक से लूटने के इंतज़ाम किए हुए हैं, बंदा लूटने के चक्कर में है। नॉर्दर्न बाईपास मंडी तो जाना बहुत रिस्की है मेरे हिसाब से, मैं तो शायद ना जाऊँ। हाँ, किसी की गाय लेने जाने हो तो उसके साथ अच्छा ले आऊँगा, मैं अपनी तो लेने ना जाऊँगा। और ये बकरा पीढ़ी ले आ रही, यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा यहाँ जाके विज़िट करें, देखें यहाँ के रेट मुनासिब हैं, काफ़ी मुनासिब हैं, बाकी मंडियों से तो मुनासिब ही हैं। चलें, फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।